नमस्कार दोस्तों, इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो माउथ ऑर्गन है इसको आपको होल्ड कैसे करना है और इसमें से साउंड कैसे निकालना है। यह है 10 होल्स शिव्स म्यूजिक हारमोनिका। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसमें 10 होल्स होते हैं जिन पर आपको ब्लो आउट और ब्लो इन करना होता है, और इसको होल्ड कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं हम माउथ ऑर्गन का। इसके अलावा मेरा कोर्स भी अवेलेबल है शिव्स म्यूजिक ऐप पर, तो लिंक में आप चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स दी हैं। तो अब देखिए, जब जो आपका माउथ ऑर्गन है इसको आपको जो आपका लेफ्ट हैंड है इस तरीके से पकड़ना है ताकि आप कंफर्टेबल हो पूरी पोजिशंस में। इस तरीके से पकड़ने के बाद इसकी पोजिशन कुछ ऐसे होगी, और यहाँ पर 10 अलग अलग होल्स दिए हैं अगर आप काउंट करते हैं तो। सी स्केल का ये माउथ ऑर्गन है, इसका मतलब कि जो फर्स्ट नोट होगा इसका वो सी होगा और सी की टोन में बाकी सारे नोट्स होंगे। इसको डिटेल में मैंने समझाया हुआ है अपने कोर्स में, अभी के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें ब्लो आउट यानी कि बाहर की तरफ फूंक मारना होता है इस तरीके से ना, और ब्लो इन मतलब कि आपको सक करना है, जैसे हम चाय की चुस्की अंदर की तरफ लेते हैं उसी तरीके से यहां पर आप जब अंदर की तरफ सांस लेंगे तो भी इसमें से साउंड निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें टोटल 10 होल्स हैं, हर होल पर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जैसे जैसे मान लीजिए फर्स्ट होल पर मैं आपको बजा के प्ले दिखाता हूं, ये मैंने किया बाहर की तरफ ब्लो आउट, अब अंदर की तरफ सेम होल पर इस तरीके से आपको जो बाकी के 9 होल्स हैं यानी कि टोटल मिला के 10 होल्स सभी पर ये एक्सरसाइज करनी है। और आपका जो आप मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि दूर से ही फूंक मारते हैं, ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर आपको टच करना ही पड़ेगा जो माउथ ऑर्गन आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको, फिर आपको प्ले करना है ब्लो इन और ब्लो आउट। अब इन अलग अलग नोट्स के अलग अलग नाम होते हैं, पूरा डिटेल में कोर्स मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पर आपको ऑब्जर्व भी करना है। जैसे टोटल 10 होल्स हैं तो वहां पर आप हर होल पर दो तरह के साउंड आएंगे, यानी कि टोटल 20 साउंड्स हो गए, 20 अलग अलग तरह के साउंड हैं। वो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें गैप है, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रही है कैसे कम हो रही है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, और जब राइट टू लेफ्ट आते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई मतलब आवाज पतली होती गई, और जब मैं राइट टू लेफ्ट आऊंगा फ्रीक्वेंसी कम होती गई, यानी कि मोटा साउंड होता गया, है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आप सीख सकते हैं, और डिटेल में आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।